अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्यों बुलाया तुमने मुझे यार? उमर, जब खुशी दिल से होती है तो पूरा वजूद कबूल है कहता है, फिर ये यकीन आपके चेहरे पे क्यों नहीं है? समझा नहीं, क्या मतलब है इस बात का? मैं जानती हूँ कि आपने सिर्फ बड़ों की मर्जी पे सर झुका है, पर ना आप भी जानते हैं कि मेरे इन हाथों पे अनदेखी मेहंदी से सिर्फ आपका नाम लिखा है। प्लीज, मैं उमर, प्लीज आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आप हिम्मत से काम लें तो हम अब भी एक हो सकते हैं। उमर, मोहब्बत आपके कदमों में बैठी। मेरी मोहब्बत ज़ैनब है, सिर्फ ज़ैनब, और मैं उसी से शादी करूंगा। लिसन मां, मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ज़ैनब को मैं हमेशा से पसंद करता था और करता रहूंगा। मैं समझी थी कि मैं, हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें अपने आगे कभी कोई दिखाई दिया है? बेशक तुम्हारा तुम्हारा हुस्न आंखों को खैर करता है, अगर तुम चमकती धूप हो तो ज़ैनब मद्धम चांद नहीं। उसके वजूद में सुकून मिलता है मुझे। ज़ैनब ना होती तो? अब इस बात का क्या मतलब है कि ज़ैनब नहीं होती तो? मेरा मतलब है कि अगर ज़ैनब हमारी जिंदगियों में ना होती तो क्या फिर मैं आपकी फर्स्ट चॉइस होती? माँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें बहुत चाहने वाले मिलेंगे। प्लीज, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर ज़ैनब नहीं होती तो तुम होती मेरी फर्स्ट चॉइस, और यकीनन किसी भी इंसान की फर्स्ट चॉइस होगी। तो ख्वाहिश के पौधे को अरमानों का पानी देने से वो झाड़ झंकार बन जाता है। प्लीज वहां संभालो खुद को। तुम